नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है। रूस की जांच एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले के लिए लगभग 23,000 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। FSB ने इस हमले में कथित तौर पर शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 रूसी और 3 यूक्रेन और अर्मेनिया के नागरिक हैं। FSB ने इस हमले के मास्टरमाइंड का भी खुलासा कर दिया है। FSB के अनुसार क्रीमिया ब्रिज पर यह हमला यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसके डायरेक्टर किरिल बुदानोव ने मिलकर किया। FSB ने कहा कि विस्फोटक डिवाइस को कंस्ट्रक्शन पॉलिथीन के रोल में लपेटकर 22 गद्दों में छुपाया गया था। इस विस्फोटक डिवाइस का कुल वजन 22.7 टन यानी कि लगभग 23,000 किलो था। इसे यूक्रेन से रूस तक लाने के लिए 3 देशों से गुजारा गया था ताकि किसी को शक ना हो। इस विस्फोटक को यूक्रेन से बुल्गारिया, फिर वहां से जॉर्जिया, तब अर्मेनिया लाया गया था। इसके बाद इसे टारगेट पर ले जाया गया। रूस की एजेंसी ने कहा कि विस्फोटकों से लदा ये कार्गो ट्रक अपने मिशन पर था, तब पूरे रूट पर यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजर थी। यूक्रेन के खुफिया अधिकारी लगातार इस ट्रक के मूवमेंट पर नजर बनाए थे। FSB का जिम्मा इस वक्त पुतिन के सहयोगी अलेक्जेंडर बोर्तिनको के पास है। उन्होंने कहा कि FSB ने मास्को और पश्चिमी रूसी शहर ब्रोइंस्क पर भी यूक्रेन के हमले को विफल कर दिया है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे क्रीमिया ब्रिज पर भयानक विस्फोट हुआ था। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने 2016 में इस पुल को खुद बनवाया था। 2018 में पुतिन ने इस ब्रिज पर ट्रक चलाकर इसका उद्घाटन किया था। समंदर में बने इस ब्रिज को बनाने में 3 अरब रुपए की लागत आई थी। ब्रुसेल्स में 50 देशों की बैठक में फ्रांस ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी देगा। ब्रिटेन ने भी एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है, जबकि कनाडा ने आर्टिलरी और दूसरे सप्लाई देने का वादा किया है। ताजा अपडेट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहे। नमस्कार।